दोस्तों, आज का ब्लॉग मेरे गांव से। आपका दोस्त बालकनी गार्डन आज पहुंचा हुआ अपने गांव में और दिखाता है कि गांव की लाइफ कैसी होती है। मेरा पर्पस यहां पे एक आश्रम को दिखाने का, जिससे हमारी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। यहां बाबा फतेह राम का आश्रम है। ये हमारे खेत हैं जहाँ पर बाजरा और हमने कपास लगाई हुई है। ये रास्ता मेरे घर से सीधा आश्रम की तरफ आता है। सामने मेरा घर है, ये आश्रम का रास्ता है सीधा आने का। ये मेरे परम पूज्य दादाजी हैं श्रीमान लक्ष्मी नारायण, जिनकी पुण्यतिथि 30/9/2007 थी। और साथ में मेरी दादी जी हैं, जिनकी श्रीमती रामप्यारी देवी जी, जिनकी पुण्यतिथि 7/2/2018 थी। इनकी स्थापना पर्पसफुली अगर आप देखेंगे तो आश्रम की तरफ की गई है, ताकि आश्रम को 24 घंटे देखते रहें। इसका पर्पस ये था दोस्तों कि मेरे दादाजी इस मंदिर के संरक्षक रहे हैं। इन्होंने इस मंदिर के छोटे से कच्चे चबूतरे को एक पक्के मंदिर में तब्दील किया था। इनके मेहनत, इनके परिश्रम से ही यह सब संभव हो पाया था कि हम जो है आज इस ऐतिहासिक मंदिर को अपनी धारणाओं में, अपनी आस्थाओं में संजो पा रहे हैं। ये बाबा फतेह राम का आश्रम है दोस्तों। ये एक पक्की सड़क है जो जाती है गांव के तालाब के बाहर, और बाहर से गांव की तरफ दोबारा से जुड़ती है। हालांकि सड़क का इस्तेमाल कम होता है, हम यूजुअली इसी रास्ते से आते हैं, जो रास्ता हमें आपको दिखा रहा हूँ। तो ये रास्ता है आश्रम में आने का। तो लेके चलते हैं आपको मंदिर के अंदर। ये दक्षिण दिशा वाला जो प्रवेश द्वार है वो है। अब अंदर जाते ही आपको सबसे पहले दर्शन होंगे त्रिवेणी के। त्रिवेणी बेसिकली तीन पेड़ों का एक संगम होता है। आप देखेंगे यहाँ पर एक पीपल, एक नीम का पेड़ और एक केले का पेड़, एक बरगद है। ये बरगद का पेड़ है दोस्तों, ये केले का पेड़ है और ये जो है पीपल का पेड़ है। इसकी ये त्रिवेणी है और त्रिवेणी बहुत ही शुभ मानी जाती है। ये नेचुरल है दोस्तों, इसको ऐसा किसी ने प्लान करके लगाया नहीं गया था। हाँ, केले प्लान करके लगाए गए थे, बट पीपल और बरगद दोनों साथ में जो है नेचुरली आए हैं। तो ये है दोस्तों प्रवेश द्वार, कच्ची मिट्टी, सुनहरी मिट्टी, जो यहाँ की शान है। ये है मुख्य मंदिर दोस्तों। मुख्य मंदिर के दो हिस्से हैं दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहले यहाँ इस जगह में कच्चा चबूतरा हुआ करता था। उस कच्चे चबूतरे पर दो मूर्तियाँ स्थापित थी। एक तरफ मेरे परम पूज्य परदादा श्री हीरालाल की समाधि थी और दूसरी तरफ फतेह राम की मूर्ति थी। ईंटें थी बल्कि उनकी समाधि की, जो मेरे परदादा जी लेके आए थे। ये जो पहला कक्ष है, ये अपने आप ही बिना किसी प्लानिंग के जब हमने मंदिर निर्माण स्टार्ट किया था तो अपने आप इस कमरे के बीचों बीच आया। ये है परम पूज्य बाबा फतेह राम जी, जो बालाजी के भक्त, भगवान बजरंग बली के भक्त माने जाते हैं। साथ में उनके पूज्य देवता बजरंग बली को भी स्थापित किया गया है। यह कक्ष था मेरे परम पूज्य परदादा जी श्री हीरालाल जी का, जिन्होंने यहाँ पे भगवान बाबा फतेह राम की मूर्ति की समाधि की ईंटों को जो यहाँ पे लेके आए थे और जिन्होंने इनको यहाँ स्थापित किया था। उसके बाद हमने एक एडिशनल रूम बनाया और एक, क्योंकि हमारे भगवान बजरंग बली की बहुत आस्था है दोस्तों, तो एक बजरंग बली की मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई। ये एक 3 फुट के हाइट की मूर्ति है दोस्तों, जो यहाँ स्थापित है। और यहाँ बजरंग बली की बहुत आस्था है दोस्तों। पहला कक्ष जो है दोस्तों, वो है बाबा बजरंग बली का। बजरंग बली जी की आस्था यहाँ पर हर घर में है। आप हर घर में जाएंगे तो आपको सबसे पहले बजरंग बली की लोग पूजा करते हुए मिलेंगे। थोड़े से गांव के लोग समाव इन जो चीज़ों से ज़्यादा भक्ति भाव से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। यह है परम पूजनीय बाबा फतेह राम जी महाराज, साथ में जो है जो इनके इष्ट देव थे, जिनको बाबा फतेह राम मानते थे, बजरंग बली जी, उनकी मूर्ति है। ये जो मूर्ति है दोस्तों वहाँ स्थापित है जहाँ इनकी समाधि की एक ईंट इनके नीचे ही है। तो पर्पसफुली इस जगह को हमने कभी हटाया ही नहीं, इसको उसी स्थान पर रखा जिस स्थान पर ओरिजिनली मेरे परदादा जी ने लाके इनको स्थापित किया था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो पास्ट में ये जगह कुछ ऐसी हुआ करती थी। ये जो छोटा सा जो आप देख रहे हैं मंदिर नुमा ढांचा, ये बाबा फतेह राम की ईंट, समाधि की ईंट थी और ये मेरे दादाजी की समाधि थी। पौराणिक समय में ये चबूतरा कुछ इस तरह का हुआ करता था दोस्तों। आज देखिए, लोगों की आस्था से
एक परिवार की आस्था से ये एक मंदिर है। पहले ये मंदिर पूरा नीम के पेड़ों से भरा हुआ करता था। आज समय के साथ साथ जैसे ये पेड़ पुराने होते गए, टूटते गए, गिरते गए, लेकिन साथ साथ नए पेड़ भी लगते गए। कुछ गणमान्य जनों का यहाँ पे बहुत योगदान रहा है दोस्तों। हमारे गुरु जी श्रीमान यशदेव शास्त्री जी का भी बहुत योगदान रहा है, जिन्होंने परिवार को प्रेरित किया कि इसको एक संपूर्ण मंदिर के रूप में स्थापित किया जाए। तो मंदिर के साथ में ही लगता है दोस्तों एक भवन है, हॉल है जिसको हम बोलते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे मंदिर की गाड़ियाँ खड़ी हैं, और अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा हॉल है। अगर कोई अतिथि आता है तो पंखे की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था सब है यहाँ पर। अगर किसी को छोटा मोटा प्रोग्राम करना है, जैसे योग प्रोग्राम करना है या कुछ वक्तव्य देना है, तो इस जगह का इस्तेमाल उसके लिए किया जा सकता है। सामने देखेंगे वहाँ पे ये महाराज जी के रहने का स्थान है, ये उनकी रसोई है, और ये महाराज जी का कमरा है। महाराज जी स्वयं जो है अखबार पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल। और महाराज जी श्री अमरनाथ जी जो है वो बहुत ही जानकार हैं आयुर्वेद के। उनकी आयुर्वेद की जो जानकारी है वो बहुत ही उच्च कोटि की है दोस्तों। कुछ ऐसे दुर्गम इलाज वो जानते हैं जो शायद ही किसी को पता हो। पारे को स्थिर करना, मेरी खुद की हरने की प्रॉब्लम उन्होंने ठीक की हुई है। महाराज जी से आपको मिलवाता हूँ मैं। ऊपर ये एकांतवास के लिए एक कमरा बना हुआ है, और इधर साइड में जो है सामूहिक कार्यक्रम के लिए एक हमें जगह बनाई है। इधर अगर हम जाएंगे दोस्तों तो यहाँ हमें मिलेगा पक्षियों को दाना डालने के लिए एक छत हमने बनाई है जो कुछ इस तरह से ऊपर जाती है। पहले दिखाता हूँ लैट्रिन बाथरूम है दोस्तों, साइड में सेपरेट एकदम। और ये जो है हमने छत बनाई है पक्षियों को दाना डालने के लिए। तो कुछ इस तरह का नज़ारा है दोस्तों। जो छत है ये सेपरेट है पक्षियों को, ताकि कोई कुत्ता बिल्ली उनको परेशान ना करे, कोई और पशु उनको परेशान ना करे। ये बाउंड्री लाइन है पीछे जो हमने बगीचे की जगह छोड़ी हुई है, आपको मैं दिखाऊंगा अभी। ये बहुत सारे औषधीय पौधे भी हमने लगाए हैं मंदिर के प्रांगण में। कुछ नज़ारा रास्ते का इस तरह से है, और आसपास के एरिया का इस तरह से है। अभी कपास और बाजरे की फसल यहाँ पे उगी हुई है। मंदिर के और भी हिस्से हमारे महाराज जी अखबार पढ़ते हुए, मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करूँगा इस समय। अब हम चलेंगे ऊपर दोस्तों। ये जो सामने कमरा देख रहे हैं आप, ये है ध्यान लगाने के लिए, धुनी रमाने के लिए, समाधि लेने के लिए एक अलग से कक्ष बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं धुना हमारी हरियाणवी भाषा में। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे धुनी रमाई जाती है, ध्यान दिया जाता है, गहन ध्यान दिया जाता है दोस्तों। तो ये कमरा सिर्फ उसी पर्पज के लिए बना है। पहले ये कुंड स्थल हुआ करता था, बाद में हमने कुंड स्थल और हवन कुंड को उधर ट्रांसफर विस्थापित किया, और यहाँ पे अब तुलसी जी विराजमान है। और देखेंगे तो आप, दो सीट बनाई गई थी हवन करने के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों शिव परिवार। यहाँ पर इस कोने में शिव परिवार विराजमान है दोस्तों। देखिए कितनी शांति, कितनी छाया। तोते बोल रहे हैं, तोतों की आवाज़ आपको आ रही होगी, पीपल के पत्तों की आवाज़ आपको आ रही होगी। ये है शिव परिवार दोस्तों, संपूर्ण शिव परिवार जो यहाँ पर स्थापित है। हमारे यहाँ बाबा भोले की बहुत आस्था है, और लोग जो है आपको हर मंदिर में आपको भगवान शिव का एक अलग से कक्ष मिलेगा अवश्य। ये कुछ पुरानी पीपल के पेड़ जो कि मेरे समय में छोटे हुआ करते थे, अब बड़े हो गए हैं। ये हवन कुंड है दोस्तों, प्रॉपर कवर्ड हवन कुंड, जहाँ पे आप बारिश के समय भी अगर आप चाहें तो हवन कर सकते हैं। पूरा वेंटिलेशन का इसका वो बनाया गया ताकि धुआं से कोई परेशान ना हो। उसके बाद दोस्तों ये जो पेड़ हैं छोटे छोटे आप देख रहे हैं, ये हमने मानसून के समय लगाए हैं, क्योंकि जो पुराने पेड़ हैं वो टूटते जा रहे थे, उनकी उम्र हो चुकी है। उनको अब जैसे कि प्रकृति का नियम है दोस्तों कि पुरानी चीज़ें जाती हैं और नई चीज़ें आती हैं, तो वही है। अब आपको मैं ले चलता हूँ मंदिर के एक और महत्वपूर्ण हिस्से में, छत। और दोस्तों यहाँ से जो भव्य नज़ारा आपको देखने को मिलेगा ना, आपकी भी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। अब हम आ गए हैं छत के ऊपर। यह है कुछ इस तरह से मंदिर की ध्वजाएँ जो लहरा रही हैं, और ये है मंदिर का प्रांगण दोस्तों।
बहुत ही शांति प्रिय मंदिर का प्रांगण है। यहाँ से आपको मैं दिखाना चाहूंगा दोस्तों, ये है एक कक्ष फिर से एकांतवास के लिए, अगर किसी को एकांतवास करना हो या किसी कर्मचारी को यहाँ पर रुकना हो तो ये एक संपूर्ण कक्ष है। फिलहाल यहाँ पर हमारे ही एक भाई बंधु रहते हैं और ऊपर ये पानी का टैंक है। और पानी के टैंक को भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो हमने अलग से कवर किया हुआ ताकि पानी का टैंक ज़्यादा गर्म ना हो। तो पानी का टैंक जो है वो मंदिर के चारों तरफ वाटर सप्लाई जो है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वो है व्यवस्था है। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये है तालाब। ऐसा नज़ारा दोस्तों मुझे नहीं लगता आपने कभी देखा होगा, मंदिर और मंदिर की दीवार के साथ लगता हुआ तालाब, एक भरा पूरा तालाब जिसको टीले रेत के टीले को हटा के बनाया गया था। अगर आप देखेंगे ऊंचाई के हिसाब से तो आप समझ जाएंगे दोस्तों वो भी टीले रहे हैं किसी समय में, और ये भी एक टीला था रेत का जिसको हटा के तालाब बनाया गया था। अब जो है इस तालाब में पानी की पूर्ति होती है नहर के पानी से। कोने में वहाँ पर नहर का इनलेट है जहाँ से पूरा तालाब भरता है। और दोस्तों देखिए, ये जो संगम है ना तालाब का और मंदिर का, ये बहुत ही अद्भुत है। मुझे तो यहाँ पे बहुत पीस महसूस होता है। मुझे इस जगह के आने के बाद ना, यहाँ पर आने के बाद एक नई ऊर्जा का संचार मेरे अंदर होता है। अब आप देखेंगे दोस्तों, ये फिर से वही प्रांगण जो मैं बता रहा था, पीछे हमने जो औषधीय पौधे लगाए हुए हैं ये वो प्रांगण है। ये चार दीवारी एक्स्ट्रा की गई है कुछ कार्यक्रम वगैरह करने के लिए, कल को अगर मान लो कोई बड़ा कार्यक्रम करना पड़े। दोस्तों एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, सामने जो ये पेड़ है दोस्तों, ये है जाटी का वृक्ष। जाटी ज़ीरोफाइट प्लांट है दोस्तों, जो कि रेतीले मिट्टी में या रेतीली जगहों पर ज़्यादा होता है। इसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत ही स्ट्रांग है, ये जल्दी से पौधा मरता नहीं। और हमारे यहाँ जन्माष्टमी पे जाटी की ही पूजा होती है, इसको हम साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप मानते हैं इस पौधे को। और हमारे यहाँ इस पौधे की आस्था बहुत है दोस्तों, आपको हर खेत में जाटी का पौधा मिल जाएगा। दोस्तों ये मंदिर का दूसरा हिस्सा है जहाँ हमने पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। अभी हाल फिलहाल यहाँ पे हमने अच्छा खासा पौधारोपण किया है। ये पानी का बोर है जहाँ से हमें पानी की प्राप्ति होती है। ये सरकारी बोर है जो सरकार ने करवाया है मंदिर के और गांव के पानी पूर्ति के लिए। अगर आप देखेंगे तो ये जो पेड़ लगे हैं पीरियोडिकली एट अ डिस्टेंस, ये जामुन के पेड़ हैं जो मैंने लास्ट मानसून में लगाए थे। इस मानसून में यहाँ पे कुछ नया पौधारोपण हुआ है जो आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे आम का पेड़ है और ये जामुन का पेड़ है, इसी तरह से ये शहतूत का पेड़ है, ये नींबू के पेड़ लगाए हैं। ये नींबू के पेड़ जो है दोस्तों, ये यहाँ से नहीं लाए गए, ये इम्पोर्टेड हैं और बहुत ही अच्छी किस्म के नींबू हैं। ये भी एक पौधा है जिसका नाम तो शायद मुझे नहीं पता। इसी तरह से हमने बहुत सारे अलग अलग पौधे, औषधीय पौधे इनफैक्ट मैं कहूँगा, वो लगाए हुए हैं और इनमें जो है पानी दिया जा रहा है इस नलकी के थ्रू। अब ये जो नलकी है ये देखिए आप, यह व्यवस्था की गई है ताकि उसमें पानी अच्छे से जा सके और इस पानी की पूर्ति जो है उस बोर से हो रही है। तो ये है आई थिंक आंवले का पेड़ है और ये जो मैंने लास्ट सीजन में लगाए थे जामुन के पेड़, ये वो जामुन के पेड़ हैं दोस्तों। देखिए मैंने बहुत छोटे छोटे लगाए थे, अब इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। ये भी टोटल मैंने 11-12 जामुन के पेड़ लगाए थे, अब इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। इनफैक्ट मैं देख सकता हूँ इस रो में पूरे आंवला है और ये आंवला जो है ये किसी ना किसी औषधीय पर्पज़ के लिए ही लगाए हैं। दोस्तों इधर एक बेरी का पेड़ है, ये पौराणिक बेरी का पेड़ है, इसका मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताता हूँ। इस बेरी के पेड़ के नीचे ना बच्चों को नहलाया जाता है। पर्पज़ क्या है, जिन बच्चों को फोड़े फुंसियाँ होती हैं वो लोग अपने बच्चों को यहाँ लाते हैं। आज तो मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ गई दोस्तों, लेकिन पहले क्या था, यहाँ पे नीम बहुत होते थे और इन नीम की निमोरिया जो है वो गिरती थी पानी के अंदर, कुंड के अंदर, और उस कुंड के पानी से लोग जो अपने बच्चों को नहलाते थे। उस कुंड के पानी से लोगों का उपचार होता था। अब आप देखिए ये जो बेरी है इसमें कपड़े टंगे हुए हैं बच्चों के। लोग क्या करते थे, अपने बच्चों को लेके आते थे, उनके जो पहने हुए कपड़े हैं वो यहाँ उतारते थे, उनको यहाँ नहलाते थे और उनको नए वस्त्र पहना के यहाँ से लेके जाते थे,
जिससे उनकी फोड़े फुंसियों की जो बीमारी थी वो दूर हो जाती दोस्तों। तो यह जो बेरी का पेड़ है यह बहुत ही ऐतिहासिक है, बहुत ही गहन है। इसके नीचे ये मिट्टी का एक कुंडसा है जिसको हम वार्षिक उत्सव के दौरान साफ करते हैं और लोग इस मिट्टी को छाटते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। तो इन चीज़ों की जो महत्व मैं कैसे एक्सप्लेन करूं इसको कि इनका बहुत महत्व है आज भी गांव की दैनिक लाइफ में इन सब चीज़ों का। लोग भले ही अंधविश्वास बोलें लेकिन ये जो आस्थाएं हैं ये आज भी काम करती हैं उनके लिए, और ये आस्थाएं मेरे हिसाब से सारी ज़िंदगी चलती रहेंगी जब तक गाँव में लोग रहेंगे, उनकी धारणाएँ कभी ख़त्म नहीं होने वाली दोस्तों। तो गांव इसीलिए सुंदर होते हैं क्योंकि लोग आस्थाओं में जीते हैं और ये आस्थाएं वास्तव में दोस्तों गांव के लोगों की को काम भी आती हैं। हम मेडिकल साइंस में बहुत आगे निकल चुके हैं लेकिन ये चीज़ें आज भी मौजूद हैं। बने रहिए दोस्तों, मैं आपको कुछ और भी रोचक तथ्य दिखाऊंगा मेरे गाँव के बारे में। इतना फ्रीक्वेंटली आना नहीं हो पाता लेकिन जितना पॉसिबल होगा मैं आपको अवश्य बताऊँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं आपका दोस्त पार्किनी गार्डनर आज अपने गाँव से।